2011 का दिन पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन था, वो दिन कभी कोई देश भर का आदमी कोई भूल नहीं सकता है। और जो हिसाब से वहाँ शहीद हुए वो टाइम पे, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे लोग जो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, वो बच्चे वो टाइम पे शहीद हुए, तो हम वो सब वो दिन कभी भूल नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम 26/11 के दिन को सभी को श्रद्धांजलि करते हैं। धन्यवाद। राजीव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है ये खास चीज़ यहाँ पे अरेंज की है, थोड़ा सा बताइए आप कितना इमोशनल हो रहे हैं आज के दिन 26/11 का दिन? आज का दिन कैसा है कि ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही हम जैसे युवा जब तक है, ना ही पब्लिक को, जो लोग हैं हमारे उन्हें कभी भूलने देंगे, क्योंकि ये दिन ही ऐसा ही है, यादगार हो गया, हिस्ट्री में लिखा गया, ये कभी दोबारा ना हो, बस यही कामना करें। ज्यादा हा सवी सक्राला ज्यादा कांड घडल, या कांडला काही शब्दच नाही आहे, सगळे शब्द त्याच्यासाठी कमी पडतात। म्हणजे इतकं घाणेरडं कृत्य आम्ही आमच्या जन्मामध्ये कधी बघितलं नाही, आणि ना आमच्यावरती असं कधी संकट येणार पण नाही, कारण आम्ही त्याची कल्पना पण कधी अशी केली नव्हती की एकदम एवढे सगळेजण एकाएकी शहीद होतील म्हणून। आणि आपण असं बघितलं आहे की हा एखाद्या ह्याच्यामध्ये एखादा डी सी पी जातो, ACP DCP म्हणजे आयुक्त वगैरे एखादे होतात, पण ह्या इथे तुम्ही बघितलं तीन तीन आयुक्त जात आहेत, तीन तीन कमिशनर जात आहेत, परत त्यांचा सगळा स्टाफ ह्याला बळी पडलेला आहे। त्या एका घरामध्ये तो जाऊन पाणी मागतो काय, आणि तिथे हे तो हे जाऊन करतात काय, हे जे भयंकर कृत्य घडलेलं आहे ना, ह्या कृत्याला जगामध्ये कुठे म्हणजे त्याचं कोणी हे करणार नाही। आणि त्या कृत्यामुळे सगळं संपूर्ण मुंबई शहरच नाही तर संपूर्ण जगाला हादरा बसला, आणि हा जो जगाला हादरा बसलेला आहे ह्याला कधीही आम्ही कधी विसरू शकणार नाही, आमच्या लाईफमध्ये पण नाही, आणि येणाऱ्या पिढीला पण आम्ही याची जी शौर्य गाथा सांगतो। 26/11 का जो दिन है एक काला दिन है हमारे पूरे हिस्ट्री में, जो हमारे जो जवान हैं उन्होंने शहादत दी थी हमारे देश के लिए, मुंबई के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कितने इमोशनल होते हैं इस दिन पे आप लोग? एक्चुअली 26/11 का जब हुआ था तो मैं मुंबई में था, और टीवी पे हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग ये एक्चुअली सोच भी नहीं सकते कि मतलब वहाँ पर जाएँ, लेकिन हेड्स ऑफ करते हैं हमारे जो जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उस टाइम पे, जिन्होंने मतलब इस मुसीबत को, इस प्रॉब्लम को जो मुंबई के ऊपर आई है उसको मतलब हम लोगों के ऊपर ना आने दिया। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने इनके लिए एक फिल्म भी की है, जिसमें मैंने तुकाराम ओंबले जी को, मतलब जिसमें हीरोज़ हैं, एक्चुअली उस मूवी का नाम ही हीरोज़ है, जो शॉर्ट फिल्म जो मेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी है, तो मैंने उसमें, सॉरी टू से बॉस, मैं कसाब नहीं हूँ, लेकिन मैंने कसाब का कैरेक्टर प्ले किया था उसमें। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ भी कैसे इन्होंने मतलब कैसे देश को बचाने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, वो जो स्पेशली जो AK-56 जो लेकर वो घूम रहे थे उसको पेट में, मतलब जैसे वो गोलियां मार रहे हैं, भाई हैट्स ऑफ करता हूँ मैं इन मतलब देश के जवानों को। एक्चुअली बॉर्डर पे तो हर कोई लड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में लड़ने वाले ये जवान जो हमारे पुलिस वाले हैं, इन लोगों को तो बहुत, बॉस मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, वरना हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे उनकी शहादत को? जी जी ओके। 26/11 का दिन जो है हमारी हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक दिन है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कैंडल मार्च, कुछ बताइए कि क्या इमोशन है उस चीज़ को लेकर आप लोगों? चाहे अपना 26/11 हो या कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट हो, जो भी अपने देश में हुआ हो या चाहे अपने मुंबई में हुआ हो, उससे अपना कंट्री कभी रुका नहीं है, ना अपना देश रुका, और एकता और मजबूती से हम लोग आगे बढ़े हैं, एक मिसाल है पूरे विश्व के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अपना ये जो प्रोग्राम है उसका एक ही एजेंडा और प्रोपेगेंडा है कि लोगों को ये शहादत याद रहनी चाहिए, और ये आज का ही नहीं, ये आने वाले पीढ़ियों को भी याद रहनी चाहिए कि हमारे मुंबई पुलिस के लोगों, पुलिस ने क्या कुर्बानी दी हमारे ही सुरक्षा के लिए। और हम जय हिंद बोलते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं अपने जवानों को, उन्होंने और लोगों को उन्होंने जान गंवाई और इंसिडेंट में, और इससे देश और मजबूत हुआ है, और कल्पना करते हैं कि ऐसा कभी ना हो जीवन में। आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जो जवान है, जो पुलिसकर्मी है, उनकी जान गई है, उन्होंने शहादत दी है,
इसको लेकर कितना इमोशनल होते हैं? देखिए, इमोशन वाली जो बात है, अगर हम इन्हें याद रखते हैं, ठीक है, सिर्फ हमारे याद रखने से, क्या कहना चाहेंगे 26/11 के बारे में जो हमारे जवानों ने शहादत दी थी, सिर्फ हमारे लिए कितना इमोशनल था? 26/11 में बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहा था न्यूज़ के थ्रू भी एंड मूवीज़ के थ्रू भी, एंड ऑफकोर्स एक बहुत ही पेनफुल सा नाइट मेरा हम सभी के लिए, जो सभी ने, हम सब तो खैर अपने घर में बैठ के देख रहे थे, बट जो एक्चुअल में वहाँ पे जवान सारे थे जो वहाँ पे लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, पुलिस एंड आर्मी, सो यहाँ बी सेलिब्रेट एवरीबॉडी कि उन लोगों ने मतलब हमने वो पकड़ लिया. आज ये बस वॉचिंग समवेयर की द गाय का साफ, दिस गाय हैड अ ब्रेसलेट में कुछ समीर समथिंग नाम लिखा हुआ था, तो अगर वो लाश पकड़ा ना जाता और उसको ना पता चलता कि वो बंदा कहीं और से है, इंडिया से नहीं है, तो और उसको इंडिया समझता और वो हिंदू टेरर कहलाता, तो ऐसा मतलब थैंक गॉड कि वो पकड़ा गया था उस दिन. सो या बिग अप्स फॉर ऑल दी सोल्जर्स जिन लोगों ने सक्सेस मतलब मिली उनको, वो हरा पाए आतंकवादियों को, एंड रिस्पेक्ट टू ऑल दी, सैल्यूट टू ऑल दी सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस दिन. हम तो स्कैंडल्स को भी चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कुछ देश के लिए कर पाए अच्छे से जैसे उन सोल्जर्स ने किया, तो वो बहुत ही बड़ी बात है. लेकिन भगवान से चाहूँगा कि मुझे वो पार मिले, क्योंकि अभी देश के लिए कुछ करना पड़े तो मैं कर पाऊँ.